दोस्तों आज हम लोग घूमने जा रहे हैं जंगल सफारी, जो कि नए रायपुर के सेक्टर 39 में स्थित है। और मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से, तो वो आपको लगभग 35 किलोमीटर दूर, और मैं बात करूं एयरपोर्ट से तो वो आपको 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ के टिकट दर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ जाते हैं, आपकी एज 18 से ऊपर है, तो उसके लिए यहाँ दो बस अलाउ हैं, जिसमें एक एसी है और एक नॉन एसी है। एसी के लिए आपको 150 रुपये चार्ज किए जाते हैं, और विदाउट एसी के लिए आपको 100 रुपये पे करने होते हैं। और इसमें आपको जू का अलग चार्ज देना होता है, जिसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका उम्र 18 से कम है, तो उसके लिए आपको यहाँ नॉन एसी का 25 रुपये चार्ज किए जाएंगे, और एसी के लिए 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और आप जू घूमना चाहते हैं, उसके लिए भी 25 रुपये चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जंगल सफारी लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एशिया का एकमात्र मानव निर्मित जंगल सफारी है। इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए में की गई है। और जंगल सफारी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 नवंबर 2016 को किया गया है। जंगल सफारी रायपुर में आपको कई तरह के जानवर और वनस्पति देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ 130 एकड़ में खंडवा जलाशय बनाया गया है, जो अपनी ओर कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। जंगल सफारी में चारों ओर हरियाली और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में विचरण करते देखना दिल को एक अलग ही सुकून देता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल सफारी, और हम जा रहे हैं वेटिंग रूम की तरफ। और जंगल सफारी हमें घूमना है, तो जो जंगल सफारी में हमें गाड़ी से घुमाया जाता है, उसके लिए हमें वेटिंग रूम में उसका वेट करना पड़ता है। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग वेटिंग रूम के अंदर, देखते हैं वेटिंग रूम को किस तरह डेकोरेट किया गया है, क्या व्यवस्था वेटिंग रूम में रखी गई है, वो सब आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट में हमें यहाँ पे टिकट दिखाना होता है। यहाँ हम टिकट जमा करेंगे तो वो हमें नंबर देते हैं, उस हिसाब से हमें गाड़ी का वेट करना पड़ता है। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पूरा व्यवस्था रखी गई है वेटिंग रूम में बैठने के लिए। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो यहाँ कैंटीन की भी सुविधा दी गई है, वहाँ आप कुछ खरीद के खा भी सकते हैं। दोस्तों जब तक हम गाड़ी का वेट करते हैं, तब तक मैं आपको जंगल सफारी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जंगल सफारी को चार भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी, जिसका क्षेत्रफल 30 हेक्टेयर में है। दूसरा है भालू सफारी, जिसका क्षेत्र 20 हेक्टेयर है। और मैं बात करूँ तीसरी, तो वो है टाइगर सफारी, जिसका भी क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है। उसके बाद आता है शेर सफारी, जिसका भी क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर में है। सफारी का पूरा क्षेत्र 5 मीटर की ऊंचाई चैन लिंग बाड़ा द्वारा कवर किया गया है, जो कि 1.5 मीटर और 60 डिग्री सेल्सियस पर झुके हुए हैं। अब आप लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम जाएंगे जंगल सफारी का भ्रमण करने, जो कि आप देख रहे हैं ये ऐसी गाड़ियां होती हैं, इसके अंदर आपको रखा जाता है और पूरा जंगल सफारी घुमाया जाता है। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ गाइड मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन गाइड मिल जाता है, जो कि हमें बताते जाते हैं कि कौन सा वाड़ा किसका है, यहाँ कौन से जानवर को रखा गया है, उन्हें खाने पीने के लिए क्या क्या दिया जाता है, ये सब हमें गाइड के माध्यम से पता चलता है। तो हमें कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आइए मैं आप लोगों को उसकी कुछ आवाजें। मेरा नाम है किरण कुमार साहू। ये जो जंगल सफारी है, ये 1 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ है। और ये जो जंगल सफारी है नगर रायपुर में आता है, जो सेक्टर 39 नगर हुई है। और ये जो जंगल सफारी है माननीय जंगल सफारी है। और ये जो जंगल सफारी है जो 1200 एकड़ में फैला हुआ, जो दो भाग में बांटा गया है। सामने का जो बाटिकल गार्डन है वो 400 एकड़ में सफारी फैला हुआ है, 800 एकड़। और ये सामने जो जलाशय दिखाई दे रहा है, ये 125 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मोटरबोट चालू किया है। जब सफारी और जू घूमने के बाद वापसी में बोटिंग के बाद।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना, ऐसे ही इंट्रक्शन हमें गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ हमें मोर देखने को मिला है और थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं जैसे ही हमें राइट साइड में भालू भी देखने को मिल जाता है। ऐसे ही और बहुत से जानवर जीव जंतु हमें यहाँ अंदर देखने को मिलेगा। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें जंगल सफारी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग किसी भी बाड़े में पहुंचते हैं तो वहां सुरक्षा के लिए दो गेट बनाया गया है, ताकि एक गेट में हम एंट्री करें, फिर दूसरा गेट लॉक हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा गेट खोल के हम लोग फिर आगे जाएं। ऐसा करके वहां दो गेट बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हम लोग शाकाहारी बाड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें नील गाय, काला हिरन, घड़ियाल और अन्य भी जीव हमें देखने को यहाँ मिले हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग हमारे वीडियो में देख रहे हैं, ये है नंदनवन जंगल सफारी। नंदनवन जंगल सफारी का वीडियो हम लोग दो पार्ट में बनाए हैं। ये पार्ट हम सिर्फ जंगल सफारी के बारे में बनाए हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको सफारी जू का वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले हम एक और सफारी का वीडियो बनाए थे जो कि नेचर सफारी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। एक बार आप वो लिंक में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको भी वो वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे भी देखते हुए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चार हैं, चार में दो मेल दो फीमेल हैं, और सफारी के अंदर तीन को छोड़ा गया है, जो तीन में दो मेल है और एक फीमेल है, और एक को अंदर में रखा गया जो किसी कारण वजह से। और यहाँ पे टाइगर के लिए दो तालाब और तीन वाटर टैंक बनाए गए पानी पीने के लिए, और टाइगर जो ये पानी वगैरह में अच्छे से तैर भी लेते हैं। और टाइगर जो है ये अपने एरिया बनाने के लिए पेड़ वगैरह में सिगरेट भी करते हैं और गन भी छोड़ते हैं। और टाइगर जो है ये अपने एरिया बनाने के लिए पेड़ वगैरह में सिगरेट भी करते हैं और गन भी छोड़ते हैं। और ये झाड़ियों के अंदर भी छिपकर रहना पसंद करते हैं, और ये अक्सर अकेला रहना भी पसंद करते हैं। और इनको खाने में मटन दिया जाता है, पर डे सभी को दिया जाता है। अगर ये नेचुरल जंगल में रहता है तो एक बार में शिकार कर खा सकता है 30 से 35 किलो के आसपास, यहाँ पे एक लिमिट मात्रा में दिया जाता है। और टाइगर मेल जो टाइगर का जो लंबाई जो रहता है 8 से 9 तक लगभग रहता है, और फीमेल कम से कम रहता है। और मेल जो टाइगर का वजन जो रहता है 250 से 280 के लगभग, और फीमेल कम से कम रहता है। और इसका जो जीवन जो काल जो रहता है नेचुरल जंगल में, वही 10 से 12 वर्ष तक जी सकते हैं। सफारियाँ जूते रहते हैं तो 2-4 साल एक्स्ट्रा जी लेते हैं। जाएंगे हम लोग लायन सफारी, और ये अगर कहीं पे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं तो एक ही जगह पे घंटों तक बैठे रहते हैं। और ये जब दहाड़ते हैं तो दहाड़ सुनाई देता है 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। और इनको भी खाने में मटन दिया जाता है, पर डे सभी को दिया जाता है। सेम वैसी रहता है टाइगर जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ये क्या है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये रहा जंगल सफारी का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।